एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो दो बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से, वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे सटे में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर से काफी शर्मीली थी, मेरे काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा ज्यादा करते। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयां भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए, तभी इनके फोन पर मैंने मैसेज और अपनी फोटो भेजी। इनकी वाइफ ने उठकर फोन जैसे ही खोला, मेरी फोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफिज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहां कुछ देर के लिए शांति छा गई, फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया, बानी, इज दैट यू, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल मुहाफिज से बातें की। एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब नया था, मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। वह हमेशा रहेगा मेरा पहला प्यार। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं।
मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुहाफिज। एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब नया था, मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। वह हमेशा रहेगा मेरा पहला प्यार। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुहाफिज जैसा हो।